जब से भाई सब लोग ये पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं, तो कुछ ही समय पृथ्वी कृष्ण भक्ति भक्तों का विरह से ये पृथ्वी छूट हो जाती है। और एक वैष्णव के रूप में जन्म ग्रहण करने पर पुराण में फरमाया कुलम पवित्र जन की किताब था वसुंधरा वसती चंदना नृत्यंति स्वर्ग के पितर के तरह साम जैसा खुले वैष्णव नाम है। एक वैष्णव अगर इस जगत में जन्म ग्रहण करता है तो पूर्ण धन्य हो जाता है। स्वर्ग में देवता लोग हाथ उठा करके नाचने लगते हैं, खुद को गुरु सलो पृथ्वी जी का चरण का स्पर्श पा करके अपना जीवन से धन्यवाद करने मानते हैं। जितना दूर तक उनको दृष्टि जाता है तो सारा स्थान पवित्र हो जाता है। तो हाथ उठा कर नृत्य करने पर स्वर्ग में देवता कल्याण होता है। एक वैष्णव जगत में जन्म होने का इतना फल है, लेकिन जब एक वैष्णव ये पृथ्वी छोड़ करके चले जाते हैं प्रचार करोगे आपको कौन मदद करेगा, आपको बात कोई है नहीं। लेकिन
जीवन की आई है सचमुच से उन्होंने जो बात बोले थे वास्तव रूप में सही है उनको लाल प्रभुपाद कराया है लेकिन उसको बाद में भी जैसे अगर उनको बुला जाए श्री चैतन्य मनाभिष्टम वा श्री प्रभुपाद मनाभिष्टम स्थापितम जनम भूतले इसलिए प्रभुपाद का मनाभिष्ट है जिन्होंने इसलिए भूतल पर स्थापित किया कहते स्वयं भक्ति प्रज्ञानम कदा वचन तदा ईश्व पदार्थी इसलिए जब प्रभुपाद का मनाभिष्ट को हमारा भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज ने ही उन्होंने जगत में स्थापित किया है कहते उनकी मनाभिष्ट को कहते किसने स्थापित किया है अगर बोला जाए श्री भक्ति प्रज्ञा का मनाभिष्ट स्थापित जन भूतले स्वयं नारायण कदा वचन तदा ईश्व पदार्थी अगर ये बात अगर बोला जाए तो ये विग्रह को स्थापन करना कर ये महापुरुष ने
सारे मित्र है कृष्ण को काले रूप में देखने को मिलता है, लेकिन केवल की गौरी राम से मिलने की मित्र केवल समय में और सब गौरी आदि की काले इसलिए किसी समय कोई हमारे प्रभुपाद का कोई शिष्य ने पूछे कि महाराज जी ये साधा सफेद मित्र साथ में था ये सफेद जो मित्र तो थर कम पैसा मिलता है पत्थर काला पैसा का काला पैसा मिलता है मतलब वो ये कम पैसा मिलता है इसलिए आपने ये सादा मित्र साथ में ले लिया लेकिन नहीं कम पैसा के लिए नहीं कहते जो मित्र हम उसको स्थापन कर रहे हैं हाँ जैसे भक्त लोग हाँ कर जिस दिन पर नेत्र को करा हाँ कर भक्ति भाग में नेत्र को करा जिन पर नेत्र को करा अपना हृदय में हृदय से जनाब भी हो गए थे लेकिन फिर विग्रह को स्थापित करते हैं विग्रह क्या है कि उनका जो हृदय के जो भास है जो विग्रह हृदय के जो विग्रह को वो दर्शन करते हैं प्रेम प्रेमात्मा भक्ति विलोचन को करा उसी चीज को जो बाहर स्थापित करते हैं इसलिए उन्होंने इस हृदय के सफेद विग्रह को दर्शन किया इसलिए उन्होंने बाहर भक्ति प्रज्ञान के सब दोस्त महाराज एक अष्टक उन्होंने लिखा है जिसका नाम विनोद विहार तत्वाष्टक जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है क्या उसका अंदर में सिद्धांत है उसका अंदर में साधारण लोग उनको बोलते तो बहुत बड़े कठोर है लेकिन वास्तव रूप में वो श्लोक को पढ़ो और उसको श्लोक को परमेश्वर महाराज जी जो उसको पर जो वृद्धि उसको जो व्याख्या दिया है अगर उसको हम पढ़ेंगे तो उनको एक एक श्लोक को अंदर में एक रस में भी एक भाव में तीनों संपूर्ण डूबे हुए
समिति का नाम को रखा गौड़ीय वेदांत समिति, पर सारे सन्यासी का नाम भी को रखते हैं भक्ति वेदांत संतों पर। इसलिए कभी भी समय से ही भक्ति अगर श्रीधर महाराज से आपने प्रश्न किया कि तो सब सन्यासी का नाम वेदांत वेदांत क्यों रख दिया, कि वेदांत पढ़े हाँ करिए अक्सर करके ये ज्ञानी लोग जो शंकर संप्रदाय का लोग थी सब वेदांत वेदांत का नाम करते हैं, क्योंकि वेदांत सूत्र को पढ़ने श्री शंकराचार्य का एक हास्य है। इसलिए अक्सर लोगों को पता है कि वेदांत ग्रंथ सब मायावादी था, लेकिन यहाँ पर भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज उनका नाम भक्ति प्रज्ञा है, भक्ति का विशेष रूप में क्या है उनका नाम भी इस नाम है। इसलिए उन्होंने बताया कि नहीं उन्होंने बताया कि जो वेदांत है ये ज्ञानियों का ग्रंथ नहीं, ये वेदांत का वैष्णव का ग्रंथ है, ये पुस्तक वेदांत है। वेदांत का मतलब है वेद का जो अंत मतलब वेद का सार है। वेद का सार क्या है का मतलब मतलब वेद वेद का कल्प कितने का जो परिपक्व जो फल कति श्रीमद् भागवत है, कति श्रीमद् भागवत क्या सर सर्व वेदांत सार थी, सर्व वेदांत सार होती थी कि श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत का सार ही श्रीमद् भागवत है। कति श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ रूप में किसी को स्थापित किया गया है, कति श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध को बताया भगवान उद्धार को, और उसमें जो पांच जो गीत है कहिए भगवान का पंचम प्राण है। ये जो पांच गीत में मैं विशेष करके उद्धव जैसे व्यक्ति जहाँ पर गोपियों की प्रेम की महिमा को देख करके जहाँ पर उनकी चरण की धूल बनना चाहते हैं, इसलिए भागवत का जो सार है ये ब्रज प्रेम की जिस चीज को श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जगत में देने के लिए आए थे, अनंत चरण की रात कमलया एक नई दिशा में दिखाया।
और फिर मायावाद के ग्रंथ जो स्थापित किया, जिसे तुमने पढ़े हैं मायावाद के खंडन तो बहुत लोग पढ़े होंगे, लेकिन इनका जो मायावाद की विमर्श पढ़ कर देखिएगा, क्या उन्होंने साधारण लोगों में कैसे कैसे युक्ति और कैसे कैसे उन्होंने तर्क दिया जो तर्क कभी सुने नहीं होते, कैसे उन्होंने जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसा में सुन ग्रंथ का पहले में ही वहां पर ही मुक्ति मुक्त क्रिया विचार की क्या बात है विधिवर्तन में भक्ति रस है ग्रंथ का नाम भक्ति रसा में सिंधु, लेकिन पहले ये मायावाद को उन्होंने कर दिया जीवन के ऊपर एक नया पैसा दिखाया, इसलिए हम लोग चरण में बहुत कुछ बोलना चाहता इसलिए हर जिधर देखो एकदम जैसे अशाह युक्त का अवधार से लग रही है, इसे हम लोग उनके चरण में हम काम करते हैं, वो लोग जो शिक्षा जैसे गुरु सेवा की आदर्श संग्रह श्रवण किया, जैसे गुरु सेवा को हमें आत्मसमर्पण करके किया, जैसे प्रभुपाद की मनोविष्ट को हमें स्थापित किया, तो हम लोगों को हमें आशीर्वाद करे उनका आनंद करके और उनको हाँ अनमोल शिष्य रूप में जो हमारे महाराज जी आए इनका आनंद करके किसी तरह से जीवन को भक्ति नगर में जीता पाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, इसलिए हम एक बोल के रूप में चरण में श्रद्धा पुष्पा प्रदान करता बादशाह और गुरु के सर।